जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे थ्री डायमेंशनल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछने की संभावना बनती है। टोटल क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। इसका इससे पहले एक वीडियो हम डाले हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो है इससे पहले डल चुका है और सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहां से बाकी के वीडियो को देख सकते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं या इसका पहला वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी टोटल कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल आपका जो है आपके सामने ऊपर दिखेगा, ठीक है, और आप पहले सवाल को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा और जब आपसे सवाल बन जाएगा तो फिर हम उस सवाल को बनाएंगे ना, तब ना मजा आएगा। चलिए देखिए, सवाल आपका कहता है 2x प्लस, गौर कीजिएगा, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y -6z प्लस 3 एक समतल का समीकरण है तो दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। आपको कल वाले वीडियो में बताए हैं कि यदि कोई समीकरण आपको दिया गया है, सुनो, यदि कोई समीकरण आपको दिया गया है रे भाई, और यदि उस समीकरण के समांतर कोई समीकरण आपसे पूछा जाए तो वो जो समीकरण होगा एक्स वाई जेड वाला या तो बिल्कुल बराबर होगा या उसका अनुपात बराबर होगा। ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट का मान अलग हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो देख लीजिए, ऑप्शन को चेक कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका है 2x प्लस 5y माइनस 6z, अब +3 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3। ओहो, बिल्कुल सही है, यही तो है, नहीं यही तो है 2x प्लस 5y माइनस 6z। ओहो हो, सॉरी, इसमें देखिएगा कि जैसन ये है वैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k, ऑप्शन नंबर सी 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस k, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए और कांस्टेंट का मान अलग अलग होना चाहिए। कांस्टेंट का मान क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा दोनों एक दूसरे के समांतर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है आपका, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन को एक बार पहले बनाने का प्रयास कर लीजिए आप लोग खुद से, ठीक है। हाँ, सवाल दिख रहा है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से। देखो, कहता है कि 2x माइनस 3y -6z -3 = 0 -3 = 0 के अभिलंब की द्विक कोज्याएं क्या है। सुनिए, यहाँ x के साथ वाला जो रहता है y के साथ में जो है और z के साथ में जो कांस्टेंट है ये होता है अभिलंब का द्विक अनुपात। ये होता है अभिलंब का द्विक अनुपात, ये होता है अभिलंब का द्विक अनुपात, इसको कहते हैं अभिलंब का द्विक अनुपात। फिर से एक बार, ये जो समीकरण आपका दिया गया रहता है उस समीकरण में x के साथ जो कांस्टेंट है, y के साथ जो कांस्टेंट है और z के साथ जो कांस्टेंट है वो सब कांस्टेंट होता है अभिलंब का द्विक अनुपात, यानी इसका द्विक अनुपात 2 - 3 - 6। अच्छा, यदि आपसे ऐसा समीकरण दे दिया जाए और कहे कि इस समीकरण में अभिलंब का द्विक अनुपात क्या है, अभिलंब का द्विक अनुपात क्या है, तो इसके आगे जो कांस्टेंट आपको दिखेगा उसको लिख दीजिएगा तो द्विक अनुपात पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल आपसे अभी पूछा है इसकी द्विक कोज्या, तो रे बाबू, आपको द्विक अनुपात और द्विक कोज्या निकालना सिखाए हैं ना,
यदि द्विक का अनुपात दिया गया है और द्विक को ज्ञान निकालना है तो क्या करेंगे, सुनिएगा। द्विक अनुपात में सबके बट्टा में रूट अंडर वर्गों का योगफल, दो का वर्ग चार माइनस तीन का वर्ग नौ, छः का वर्ग कितना हो जाएगा, छत्तीस। छत्तीस फिर यहां भी वही बात हो जाएगा आपका, रूट अंडर दो का वर्ग चार प्लस तीन का वर्ग नौ प्लस छः का वर्ग छत्तीस। यहां भी हो जाएगा दो का वर्ग चार प्लस तीन का वर्ग नौ प्लस छः का वर्ग छत्तीस। सुनिए देख लीजिए अब क्या करना है, तो हो जाएगा दो बट्टा में नौ चार तेरह छत्तीस उनचास, उनचास का वर्गमूल सात माइनस तीन बट्टा में सात, और फिर हो जाएगा माइनस छः बट्टा में सात। तो ये जो निकल के आया है ये है अभिलंब की द्विक कोज्या, ये है अभिलंब की द्विक कोज्या, नहीं ये है द्विक कोज्या। लेकिन यदि आपसे पूछता कि द्विक अनुपात क्या है, द्विक अनुपात क्या है, तो जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उस समीकरण में एक्स का गुणांक वाई का गुणांक और जेड का गुणांक जो होगा वो कहलाएगा अभिलंब का द्विक अनुपात। आ यदि उसी का द्विक कोज्या कह दे तो सबके बट्टा में रूट अंडर वर्गों का योगफल हो गया द्विक कोज्या। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके का सवाल आसानी से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही आपको सोचना है, मजा तब आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखिएगा, अगला सवाल आपका क्या कहता है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है कि वाई अक्ष की द्विक कोज्या क्या होगी। हम पिछले वीडियो में ही आपको बता दी है वाई अक्ष की द्विक कोज्या, लेकिन एक बार और आपके सामने सवाल है तो इसका आंसर आप बना लीजिए। पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए सभी लोग कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए कितना आसान सवाल है, यदि आप टेक्निक समझ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। नहीं, कितना आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। देखिए तो सवाल आपका है वाई अक्ष की द्विक कोज्या। सुनिए, एक सवाल तो इससे पूछेगा ही पूछेगा वाई अक्ष की द्विक कोज्या, या फिर पूछ दे कि एक्स अक्ष की द्विक कोज्या, या फिर आपसे पूछ देगा जेड अक्ष की द्विक कोज्या, और तीनों के तीनों बताए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि जिस अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा उसका मान एक रखिएगा बाकी सबका जीरो। वाई अक्ष का पूछ रहा है तो वाई कहाँ होता है, बीच में ना, तो बीच में एक और बाकी दोनों जीरो। एक्स अक्ष का पूछता तो एक्स पहले होता है तो पहले एक और बाद वाला जीरो। जेड अक्ष का पूछेगा तो जेड सबसे लास्ट में होता है। हाँ, तो सबसे लास्ट में एक होगा और पहले वाला दोनों जीरो होगा। हम जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो हम तीनों बता देते हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सवाल पक्का यहां से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तीन में से कोई एक। ठीक है, चलिए अब आपको कहता है कि बिंदु, दो बिंदु दिया गया है तो कहता है कि मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात, यानी बता दिया आपको कि जब दो बिंदु दिया गया रहेगा और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात आपसे पूछा जाए। दो बिंदु में कौन कौन बिंदु है, x1, y1, z1, दूसरा क्या है x2, y2, z2। आई दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात देखिएगा, तो हमेशा संगत वाला को संगत वाला में से घटा घटा कर लिख दीजिए। हाँ, याद रखिएगा दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, यही ना इसका संगत है, और ये इसका संगत है, ये इसका संगत है। तो x2 माइनस x1, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1, और फिर हो जाएगा z2 माइनस z1। यही है द्विक अनुपात, यही है द्विक अनुपात। तो यदि आपको दो बिंदु दिया गया है और कहे कि दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा, तो आपको संगत वाला में से संगत वाला को घटा लेना है, और याद रखना है कि हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाना है, हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाना है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाना है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल जो कहता है इसमें आपसे दो नियामक आपको दिया गया है और कहता है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। नहीं, ये सब क्वेश्चन तो बताने के लायक ही नहीं रह गया है।
आप क्वेश्चन देखते ही आपको लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि दो बिंदु आपको दिया गया है, बिंदु है 2, 3, 4, 2, 3, 4। अच्छा दूसरा बिंदु क्या है, तो दूसरा बिंदु है आपका 8 - 3, 8, 8 - 3, 8। तो जब दो बिंदु दिया गया है तो आपसे कहता है कि इसके मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। सुनिए, मध्य बिंदु का नियामक जब भी आपसे पूछेगा, मध्य बिंदु का नियामक जब भी आपसे पूछेगा, ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक जब भी आपसे पूछेगा तो करना क्या है, संगत वाला को संगत वाला में जोड़कर दूसरे भाग, संगत वाला को संगत वाला में जोड़कर दूसरे भाग। चलिए 8 और 2 10, 10 में दूसरे भाग देंगे 5, यहां 3 यहां -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 0 में दूसरे भाग देंगे 0, 8 और 4 12, 12 में दूसरे भाग देंगे 6, 12 में दूसरे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। जब भी आपसे मध्य बिंदु का नियामक पूछे, संगत वाला को संगत वाला में जोड़कर दूसरे भाग, अरे मध्य बिंदु माने आधा आधा आधा, तो किसका आधा, तो जो दिया गया बिंदु है उसका आधा, तो दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, याद रखना है संगत वाला में संगत वाला को जोड़ना है, यानी पहला वाला को पहला वाला में जोड़िए, दूसरा वाला को दूसरा वाला में जोड़िए, तीसरा वाला को तीसरा वाला में जोड़िए, दूसरे भाग कर दीजिए, जो निकल के आएगा वो उसके मध्य बिंदु का नियामक कहलाएगा, ठीक है, जो निकल के आएगा वो उसके मध्य बिंदु का नियामक कहलाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, किसी को दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सवाल को पढ़ लीजिए आप लोग जल्दी से, और यदि हो सके संभव तो बना दीजिए, नहीं क्योंकि सवाल आपके सामने जो आया है ट्राई मारने में क्या जाता है, नहीं अरे होगा तो होगा, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो इसका क्या मतलब है कि हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब कोई बात हुआ। तल दिया गया है 7x + 4y, देखिए तल है 7x + 4y, 7x + 4y, इसके बाद क्या है -2x + 5, -2x + 5 -2x + 5 = 0। कहता है अभिलंब का द्विक अनुपात, यह ले अभी तुरंत बताए हैं कि जब समीकरण दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि अभिलंब का द्विक अनुपात क्या है, तो अभिलंब का जो द्विक अनुपात होता है, अभिलंब का द्विक अनुपात, अभिलंब का द्विक अनुपात x के साथ जो कांस्टेंट है, y के साथ जो कांस्टेंट है, z के साथ जो कांस्टेंट है, नहीं x के साथ 7 है, y के साथ 4 है और z के साथ -2 है, यही है अभिलंब का द्विक अनुपात। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम बता दिए हैं, इससे पहला इसका जो इससे पहले जो दो क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि अभिलंब का द्विक अनुपात जो होता है, कोई भी समीकरण जो दिया हुआ रहेगा उस समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक और z के गुणांक को यदि आप रखते हैं तो वो होता है अभिलंब का द्विक अनुपात, और यदि उसी का द्विक कोज्या कह देगा तो सबके बट्टा में रूट अंडर वर्गों का योगफल, नहीं सबके बट्टा में रूट अंडर वर्गों का योगफल कर देंगे तो वो निकल जाएगा अभिलंब का द्विक कोज्या, लेकिन कोज्या नहीं अनुपात पूछा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहां पर आपको दो समीकरण दिया गया है और कहता है कि दोनों परस्पर लंब है, ओहो लंब होने के लिए आपको बता दिए हैं कि गुणनफल 0 के बराबर, नहीं लंब तब होगा जब उसका गुणनफल 0 के बराबर होगा, नहीं दोनों के द्विक अनुपात का गुणनफल का योगफल, सॉरी गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। सवाल क्या है, a1x + b1y + c1z + d = 0, शायद ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल d1। इसके बाद है a2x + b2y + c2z + d2 = 0। सुनिए, यदि यह दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, बाबू यदि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है तो इसके संगत का गुणनफल का योगफल 0 के बराबर,
A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। ऐसा तब होगा जब जब ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा, जब ये दोनों एक दूसरे पर लंब होगा। यदि लंब होगा तो ऐसा होगा, नहीं यदि एक दूसरे पर लंबवत होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाए तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी इसका अनुपात बराबर होगा। यदि एक दूसरे के समांतर हो जाए, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए, समांतर होगा तो दोनों का अनुपात जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चेक कर लो, यहां पर सिर्फ लंब पूछा गया है तो उसके गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा, यही आप लिखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कहता है कि नियामक अक्षों के रेखाओं के साथ बराबर झुकी हुई सरल रेखा की द्विक को ज्याय क्या है। एकदम देखिएगा, बराबर झुकी हुई सरल रेखा की बात कर रहा है, यानी वह x अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है उतना ही y अक्ष के साथ कोण बनाता है, उतना ही z अक्ष के साथ कोण बनाता है, नहीं यानी तीनों अक्ष के साथ जो है बराबर 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 कोण बनाता है। अच्छा बाबू, जब x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्ष के साथ बराबर बराबर कोण बनाता है, इसका मतलब है कि cos अल्फा का मान, cos अल्फा का मान सुनिए, cos अल्फा बराबर हो जाएगा cos बीटा बराबर हो जाएगा cos गामा, क्योंकि तीनों कोण का मान जब बराबर है तो ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होगा। यही तो कह रहा है ना कि x अक्ष के साथ यदि बराबर कोण बनाता है, यानी जितना अल्फा सॉरी जितना x अक्ष के साथ कोण बन रहा है उतना ही y अक्ष के साथ कोण बन रहा है, उतना ही z अक्ष के साथ कोण बन रहा है। तो जो x अक्ष के साथ कोण बनता है उसके लिए cos अल्फा, y अक्ष के साथ बनता है तो cos बीटा, और z अक्ष के साथ बनेगा तो cos गामा, या फिर इसको कह सकते हैं LMN, यही तो कहते हैं, बोलिए यही तो कहते हैं। और जब सबके सब आपस में बराबर है तो आपको मालूम है, आपको मालूम है पहले कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1, होता है ना। अच्छा, और सब बराबर ही है तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर कितना होगा 1, यानी हो जाएगा 3L² बराबर 1, गुना में उधर भाग में चला जाएगा, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, नहीं इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/3, यानी प्लस माइनस नहीं, प्लस नहीं समझिए 1/√3। एल का मान हो गया 1/√3, यानी समझिएगा ठीक से, तब हो जाएगा कॉस अल्फा का मान 1/√3, कॉस बीटा का मान भी 1/√3, और कॉस गामा का मान भी 1/√3, क्योंकि सबके सब आपस में बराबर है। तो एल का मान 1/√3, तो एम का मान भी 1/√3, नहीं आ एन का मान भी हो जाएगा 1/√3। चेक कर लीजिए, तो यदि बराबर कोण बनाएगा तो जितना आपका होगा L का उतना ही M का उतना ही N का, यानी होगा कितना, तो 1/√3 1/√3 और 1/√3, नहीं यदि बराबर कोण बनाएगा तो 1/√3 1/√3 1/√3 इसका मान हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर D में आपको दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अगले सवाल को देखिएगा, अगला सवाल आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, बस आपको केवल सवाल देखना है और उसका आंसर बनाना है, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है तो जल्दी से एक बार सवाल देखिए और बनाने का प्रयास भी कर लीजिए फटाफट से। देखिए क्या है क्वेश्चन, सवाल आपका कहता है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 8 बराबर 0 के समांतर तल का समीकरण। अच्छा, इसके समांतर निम्नलिखित में से कौन होगा, 2x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 8, ये तो बिल्कुल सेम है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी 2x प्लस 3y माइनस 4z 4z प्लस के बराबर 0। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या, एक बार देख लेती हैं, क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, नहीं नहीं दोबारा नहीं है, दोबारा नहीं है, दोबारा नहीं है, ठीक है।
देख लीजिए 2x plus 3y minus 4z plus 8 बराबर 0 और इसके समांतर कह रहा है तो आपको बता दिए थे x वाला बराबर होगा, y वाला बराबर होगा, z वाला बराबर होगा, ये कांस्टेंट अलग अलग होगा, या फिर x x का अनुपात बराबर होगा, y y का अनुपात बराबर होगा, z z का अनुपात बराबर होगा, या तो बराबर होगा या तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, नहीं तो अनुपात बराबर होगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों कंडीशन में एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, सवाल आपका कहता है कि बिंदु 3 माइनस 5 4 माइनस 6 2 1 से खींची जाने वाली सरल बिंदु का द्विक अनुपात क्या है। अरे वाह, गजब बात है। यहां पर दो बिंदु आपको दिया गया है और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात, कॉन्सेप्ट अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि दो बिंदु आपके पास है और दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात आपसे पूछा जाता है, जैसे कहेगा कि 3 माइनस 5 और 4, दूसरा आपका कितना है, दूसरा है आपका माइनस 6 1 2, और ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा। आपको बताए हैं कि जब आपसे इसका द्विक अनुपात पूछा जाए, जब आपसे इसका द्विक अनुपात पूछा जाए तो हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला को, संगत वाला को संगत वाला में से घटाते घटाते चलिएगा, तो माइनस 6 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 9, यहां 1 में से 5 घटेगा, पहले हम लिख देते हैं पूरा अच्छा से, देखिएगा माइनस 6 माइनस 3, इसके बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस और फिर माइनस 5, इसके बाद 2 में से घट गया आपका 4, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 4, यही तो होगा है? ये हो जाएगा माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 6, ये हो जाएगा आपका माइनस 2। चेक करो द्विक अनुपात आपके सामने है, ये आपके सामने द्विक अनुपात है, दिख मतलब दिख रहा होगा आपको, ये है आपका द्विक अनुपात, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है माइनस 9 6 और माइनस 2, ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ, फिर देखिए क्वेश्चन आ गया कि वाई जेड तल का समीकरण क्या होगा, YZ तल का समीकरण क्या होगा। अच्छा, इसके समांतर नहीं पूछ रहा है, इस बार YZ तल का समीकरण आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, YZ तल का समीकरण आपसे पूछ रहा है, तो जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं, यदि कहेगा कि YZ तल के समांतर, तो दो को दिया हुआ रहेगा, तीसरा बच जाएगा, उसके बराबर में के लिखेंगे या कोई कॉन्स्टेंट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि वही कह दे कि YZ तल का समीकरण, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दो को दिया हुआ है, तीसरा जो बचल है उसके बराबर में केवल जीरो लिखेंगे, उसके बराबर में क्या लिखेंगे, जीरो, यानी YZ तल का समीकरण, समीकरण YZ तल का समीकरण तो x बराबर जीरो, यदि कह दे कि ZX तल का समीकरण, तो ZX इसमें आ गया, बच गया क्या वाई, तो हो जाएगा वाई बराबर जीरो। यदि आपसे कह दे कि XY तल का समीकरण, तो XY तल का समीकरण कहने का क्या मतलब है कि XY इसमें आ गया तो बच गया क्या Z, यानी उसका हो जाएगा Z बराबर जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा Z बराबर जीरो। ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे कहेगा कि कोई दो अक्ष का मान दे देगा और कहेगा कि इसके समांतर किसी तल का समीकरण, तो जो दोनों अक्ष दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में आप कोई कांस्टेंट रख सकते हैं या फिर के रख सकते हैं। और यदि उस तल का समीकरण कहेगा कि जैसे YZ तल का समीकरण, तो उस समय आपको बराबर में जीरो रखना है, ZX तल का समीकरण तो Y बराबर जीरो, XY तल का समीकरण तो Z बराबर जीरो, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। मूल बिंदु से एक बिंदु दिया गया है जिसके बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आप बना ही दिए होंगे आसानी से, जल्दी से बना दीजिए यदि नहीं बनाए हैं तो। क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार जल्दी से देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपका कहता है -3 4 5 मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का वर्ग 25, यहाँ हो गया दोनों 25 25, 16 9 25 और 25 50, 50 के लिए क्या हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक है, 50 का हो जाएगा आपका 5 रूट 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर
दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपका कहता है कि किसी सरल रेखा की द्विक अनुपात दिया गया है तो द्विक कोज्या क्या होगा? अच्छा, सरल रेखा का द्विक अनुपात क्या है? तो 1:3:5, यह है द्विक अनुपात। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका द्विक कोज्या क्या होगा। हम आपको बता दिए हैं कि जब द्विक अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उसकी द्विक कोज्या कैसे निकालेंगे? जो दिया हुआ रहेगा उसके बटा में रूट अंडर वर्गों का योगफल, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। इसके बटा में भी वही हो जाएगा, रूट अंडर 1+9+25। इसके बटा में सेम, रूट अंडर 1+9+25 कितना हो जाएगा? 1/9 = 10 और 25 = 35, यानी रूट अंडर 35, 3/√35, 5/√35। चेक करो, ठीक है, देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है दो सरल रेखाओं की द्विक कोज्याएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 है तो उनके बीच के कोण की कोज्या क्या होगी? अच्छा, ये तो कल ही इस पर बात किए हैं कि जब दो रेखा L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिया गया है तो उसके बीच की द्विक कोज्या यानी cos थीटा का मान क्या होगा? नहीं, जब दो आपको द्विक कोज्या L1 M1 N1, नहीं, इसके बाद है आपका L2 M2 N2 दिया गया है तो दोनों रेखा के बीच की द्विक कोज्या यानी cos थीटा बराबर क्या है? दोनों को गुणा कर लीजिए, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, नहीं, यही तो है cos थीटा का मान, यही तो है cos थीटा का मान। या फिर यदि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाता है तो इसी का मान 0 के बराबर, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा तो उस समय थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा यानी cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 के बराबर। समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को दिक्कत नहीं ना? देख लीजिए एक बार जल्दी से सभी लोग, किसी को दिक्कत बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो बाकी और भी कुछ क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, बेहतर लग रहा हो, ठीक है, यदि आपको अच्छा लग गया हो दिल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, इधर लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बाद वो घंटी आएगा, घंटी को भी बजा दीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, वक्त बहुत कम बचा है, आप किसी भी अफवाह के चक्कर में ना रहें। जो लोग भी इस तरह का अफवाह यदि डाल रहे हैं यूट्यूब पर तो वो गलत कर रहे हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं कि बच्चों की जो मनोदशा है, जो उनका एक प्रेशर है एग्जाम का, वो प्रेशर जो है उसके ऊपर से हट गया है और वो बच्चे बिंदास हो गए हैं कि अब तो एग्जाम नहीं होगा कोरोना की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिल से निकाल दीजिए, एग्जाम होगा तो होगा, बिल्कुल टाइम पर एग्जाम होगा। ठीक है, आप अपने माइंड में इस बात को मेकअप करके रखिए कि एग्जाम होना ही होना है, हमें एग्जाम देना है, एग्जाम देकर ही हमें पास करना है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो निकम्मे बच्चे होते हैं वही कहते हैं कि एग्जाम नहीं होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ऐसे ही पास कर जाएंगे, समझ लीजिए कि उसकी तैयारी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और वो अपने जीवन में आगे चल के कुछ करना भी नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहुआ पढ़ाई पढ़ना चाह रहे हैं कि कैसे हूँ पढ़ लिख लेंगे, हमारा टैग लग जाएगा कि इंटर पास है लड़का इंटर पास है, चलो कैसे हूँ ब्याह शादी हो जाएगा। ठीक है, जितना बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है ब्याह शादी नहीं होगा, ठीक से समझ लीजिए, इंटर पर कौन पूछता है किसको है, इसलिए इस बेस को मजबूत कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, दिल लगाकर पढ़ना है, अपने से मोटिवेट होना है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगाकर पढ़ाई करना है। कब तक? जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, एक दो दिन डिले हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम देना है तो देना है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।